बस कुछ ही पलों में मेरा मैगी बनने वाला है। ये देखिए पूजा और सीमा दूध डालने में इतना ज्यादा कंजूसी करते हैं ना। पता मैंने कितना दूध डाला इसमें? पता है, दिख रहा है मुझे इतना डाला। आधी आधी सुबह शाम तो मेरा वाला डॉक्टर कौन सा था, चार चार गोलियां दे रहा था। देख तेरे लिए भिंडी की सब्जी बन रहा है। नहीं भिंडी नहीं बनेगा। भिंडी है बैगनी? हाँ छोटी वाली बैगनी है। हाँ वो बनेगी भर के। खाएगा भर के मसालेदार? रात तू कह रहा था ना कि भिंडी बनाना, तो देख सीमा ने भिंडी धो करके रखी है अभी बनाने के लिए, तो बैंगनी की सब्जी बनवा दूं? चल चल जा पहले नहा तू फिर मैं नहाऊंगी। तो गाइस पुनीत अभी सो करके उठा है, पूजा तब भिंडी रख दे, दोपहर में बन जाएगा और तू और सीमा मिल करके बैंगनी की सब्जी बना दे। भर के बनाना, भर के ज़्यादा अच्छा बनता है। तो गाइस आज मेरे घर बन रहा है बैंगनी की सब्जी, बैंगनी भर के बन रहा है और इसमें टमाटर मिर्चा अदरक लहसुन का पेस्ट है, तो इसमें प्याज भी। एक बार मैं नज़दीक से दिखाता हूँ, इसकी भी सब्जी काफ़ी अच्छी लगती है। और पूजा पहले ही कह रही थी कि आज बैंगनी भर के ही बनाओ, सीमा तो बैंगनी की सब्जी बहुत अच्छी से बना लेती है। तो इधर पूजा सब्जी चला रही है, पकड़ा नहीं है नीचे। पुनीत तेरा फेवरेट सब्जी बन रहा है आलू बैंगनी, नहीं सिर्फ बैंगनी भर के, आलू इसमें नहीं है, देख ले। अब देख लिया ना, अब जा ब्रश कर नहा। कितनी रोटी खा के दिखाएगा प्लीज? जीरो। जीरो फिर नहीं बनेगा पुनीत। बता पुनीत कितनी रोटी खाएगा, बोल जल्दी बोल। दो बस। हट हट वरना तुझे इस पर भेज। हाय हाय तिल्ले दे, ये बोल रहा है ये वो तिल्ले दे फिर। तब बैगनी की सब्जी बस कुछ ही देर में बन जाएगा। पुनीत जा तू नहा ले, तब तक रोटी बन जाएगा, जल्दी से खा लेना। जा पहले नहा ले, तब तक रोटी बन जाएगा। तो जा टंकी में से निकाल ले जा। तो गाइस देखिए रोटी कितनी अच्छी अच्छी बना रही है, और उधर मेरा बैगनी की सब्जी है। बैगनी की सब्जी बन गया है? तो बैगनी की सब्जी बन गया है। पूजा पुनीत को भी साथ में लेके आप, बैगनी की सब्जी बन गया है और जल्दी से तुम लोग खा लो। तो पुनीत खाना खा लिया? नहीं। पूजा तू खाना खाई? नहीं नहीं, जब टाइम हो जाएगा ना तब जल्दी जल्दी खाना बोलना कि जब बस इतने खाऊंगी इतने खाऊंगी। आज सुबह देखिए कितना अच्छा फूल लगा है, फूल तो ये वाला देखिए, आज ये लगने वाला है। वाह मजा आ गया, ये तो काफी सुंदर लग रहा है। ये सबसे बड़ा है, पीछे का देखिए बैकग्राउंड फूल के आसपास में कितना अच्छे से ब्लर किया है। तो गाइस देखिए एक एक रोटी खा खा के तब स्कूल जाते हैं दोनों बच्चे। नहीं नहीं मैं अभी दो खाऊंगी। खा भी बहुत स्वाद बनी है। तू भी दो खाना अपनी, ठीक है? दो क्या होता है, दो गेम है क्या? सर्च करूंगा। अच्छा रुक जा तू, दो रोटी दो बहुत स्वाद बनी सब्जी, बैगनी भर के स्वाद बनता ही है। तो पुनीत दो रोटी खाएगा ना अभी? कुएं में दो लेके। आज तू ठीक है? बुखार लगेगा तो फोन करवाना, दवाई खिला रहा है पुनीत। चल आग मत करो या तो करके नहीं, अब रहने दे। जल्दी कर, जल्दी लेट हो जाएगा पुनीत। चल एक गोली दे। कितना कितना टुकड़ा किया है? एक गोली इसकी और एक गोली इसकी डाल दी। दूर डाला एक बार में? एक एक करके दे, एक एक करके डाल। अच्छा एक कर लूंगा। एक 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 मुझे पास है, ठीक है? बस 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 चल दवाई। तो गाइस सीमा पुजनीत को छोड़ने जा रही है, रास्ते में बहुत बस। तो हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस पूजा पुनीत को सीमा स्कूल छोड़ने चली गई है, अभी मैं हूँ फिलहाल घर में अकेले। अब मुझे मन तो कर रहा है कि चाय बनाऊं, लेकिन आज की जो सब्जी बनी है बैगनी की भर की वो काफ़ी स्वादिष्ट है। मेरा भी खाना आ गया, अभी सीमा दे करके गई है। तो गाइस मुझे भी लग गया है भूख, अब मैं जा रहा हूँ खाना खाने। और आप लोगों को भी खाना है तो आइए मेरे घर बना है बैगनी भर के, काफ़ी स्वादिष्ट बना है। तो गाइस मुझे ऐसे फूल बहुत पसंद है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो गाइस पुनीत आ गया, पूजा भी आ गई। ओ आ गए प्रावा आ गए।
इसका मुंह इतना लटका क्यों है? बुखार चढ़ा है इसे भी? तेरा बुखार ठीक है? उधर सीमा भी अच्छी नहीं है। मम्मी पुनीत बूट खोलना, पहले दो दिन पहले पूजा का बुखार आया था और पुनीत का बुखार आ गया। तो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ पुनीत को दवाई लेने, अभी स्कूल से आया था पुनीत का भी बहुत तेज बुखार आ गया है। कल पूजा को बुखार का दवाई लेके आया तो पूजा का ठीक है, आज सीमा भी ठीक नहीं लग रही है, उसे तो बुखार नहीं आया उस। तो अभी फिलहाल मैं पुनीत को दवाई लेने जा रहा हूँ, चल पुनीत। पूजा गेट बंद कर ले। बूट पाएगा? बूट आप पूजा गेट बंद कर ले। चल पुनीत आगे बैठेगा पीछे बैठेगा? पीछे बैठेगा। गेट बंद कर ले। ठीक है पहले इसके दवाई लूंगा उसके बाद। आगे मम्मी बैठी हुई थी इधर इंतजार में। कितना बुखार है? बुखार ऐसे ही हाथ से चेक कर ले बस पता चल गया बुखार कितना है। हाँ वही सरकारी अस्पताल। चलो अब जल्दी से पहले खाना खा ले। पूजा तेरा बुखार ठीक है ना? हाँ ठीक है। दो ही गोलियां दी पुनीत को बस। हाँ आधी आधी सुबह शाम। तो मेरा वाला डॉक्टर कौन सा था चार चार गोलियां दे रहा था? ओ काफी ज्यादा बड़ा था तभी बड़ी बड़ी गोलियां भी दे रहा था। वो बड़ा डॉक्टर था। मम्मी ने फूल तोड़ ली और पूजा कर ली। अच्छा सुबह तो देख के गया था तो था है नहीं झूठी कही थी। उसने बनाया बड़ा मजा। हाँ ठीक नहीं है बुखार लगा है तो क्या खाएगा? रोटी सब्जी खा लो और दवाई खा लो। क्या मैगी लगा? मैगी खाएगा? प्लीज मैगी बोल रहा है तो मैं भी मैगी खा लूंगी। यूपी नहीं खाऊंगी यूपी खाऊंगी। क्या खाएगा पुनीत? दोनों मिक्स। पुनीत कह रहा है दोनों मिक्स खाना, मैगी भी खाना यूपी भी खाना। चलेगा उप्पी खाएगा उप्पी। फिर कह रहा है उप्पी नहीं यूपी यूपी। तो जाके लेके आता हूँ दो मैगी दो ईपी। सीमा का भी तबीयत नहीं ठीक है तो उसे भी थोड़ा सा दूंगा। तो गाइस आप लोगों को पता ही है हमारे घर में सबसे ज़्यादा बनता है या तो खिचड़ी नहीं तो मैगी, और बच्चों का तो फेवरेट है। जब भी पूजा से पुनीत से पूछा जाए कि क्या खाओगे, मैगी मैगी ईपी मैगी ईपी मिक्स करके बनाओ और उसे तोड़ना नहीं, लंबे लंबे निकलेगा। इन लोगों को बहुत अच्छा लगता है। तो गाइस घर में रोटी नहीं था, रोटी खत्म हो गया था, सुबह सीमा ने कम रोटी बनाई थी। कितनी बनाई थी? नहीं ठीक ही बनी। हमने ज्यादा खाई ना। अच्छा आज बैगनी बनी थी। तो गाइस इन लोगों की फेवरेट सब्जी बनी थी बैगनी भर के, तो रोटी घट गया तो फिर दोपहर में पूजा बना रही है। तो गाइस बाजार से मैं दो ईपी लेके आया और दो मैगी लेके आया, दोनों को मिक्स करके आज सीमा बनाएगी तो बच्चों के लिए तो फेवरेट है। नहीं 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 हमें मैगी पापा के हाथ की पसंद है। नहीं मैं बना दूं पुनीत? मैं पापा वाली मैगी पसंद है ना, मैं बना दूं। और मम्मी आजा मैं बना दूं मैगी। क्या जुल्म है, सीमा भी बहुत बढ़िया बनाती है पुनीत। मेरे हाथ का पसंद है आज तो सादा बनाती हूं। कंफर्म हो गया कि आज ईपी और मैगी दोनों को मिक्स करके बनाएगी आज सीमा। के बनाए हुए ये लोग खाते ही नहीं है। मेरी बात सुन और जल्दी खा ले दवाई खानी है। पुनीत ये बता मैं मैगी बनाऊं? पूजा मैं मैगी बनाऊं? तो गाइस मैं नहीं बनाया मैगी तो सीमा बना रही है पूजा पुनीत के लिए स्पेशल मैगी। पता नहीं क्या क्या काटी है। नहीं नहीं अब तो काटी है तो वही बनाएगी। इतना मेहनत कर दी मैंने बनाऊंगी वही बनाएगी देख कितना अच्छा काटी है। चलेगा
एक आटी बंद गोभी, हाँ, प्याज, हाँ, शिमला मिर्च, मटर, लहसुन, अदरक, तो इसे बहुत अच्छी बनेगी। हाँ हाँ मम्मी ऐसी बनती है। उस दिन मैं तो गाइस मैं कुछ नहीं बताऊंगा, आज सब कुछ सीमा बनाएगी। मिर्चा है ही नहीं, मिर्चा है रेडी पर, जाके लेके आप जा। तो गाइस एक बार नजदीक से दिखाता हूँ, बहुत बढ़िया काटी है। ये प्याज, शिमला मिर्चा, हरी मटर, और ये है पत्ता गोभी, और इसमें है अदरक है लहसुन, अदरक है लहसुन है, मिर्चा नहीं है, तो मिर्चा गई है पूजा लेने। बना सीमा, बहुत बढ़िया बना, आज मैं खाऊंगा स्पेशल मैगी। तो गाइस आज सीमा ही बनाएगी, बनाओ 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 बनाओ, साथ में ये भी डाल दो। कुछ नहीं, देख लो पटाखा बज रहा है। प्याज डालो प्याज, ये पूजा टमाटर नहीं है, टमाटर लेके आ, टमाटर रहता है तो बहुत अच्छा बनता है। प्याज डालने के बाद मिर्चा डालती हूँ। टमाटर नहीं है तो टमाटर नहीं डाला जाएगा, नहीं बहुत है पूजा फ्रिज में, देख पूजा फ्रिज में टमाटर है कि नहीं है, लिफाफे में कोई है काले रंग का। गाइस मेरे बच्चों को मैगी बहुत ज्यादा पसंद है, और हमें खिचड़ी ज्यादा पसंद है। खिचड़ी जिस दिन बनता है उस दिन बच्चे खिचड़ी भी खा लेते हैं, और जिस दिन मैगी बनता है उस दिन हम लोग भी मैगी खा लेते हैं। ये मेरे मैगी में कितना अच्छा कलर आ गया है, इसमें टमाटर नहीं काट के डाली थी पूजा ने, तो पूजा ने टमाटर काट के ले आके डाली। अब आगे सारा मसाला फाड़ के डालो डालो डालो, मैं बताता हूँ। तो खाने आई थी, पहले फाड़ के डालो। नहीं ये बहुत टेस्टी लगता है, पहले फाड़ के डालो। जो यूट्यूब वाला मसाला है ना वो इससे हाँ। भी ज्यादा टेस्टी लगता है, सब फाड़ के डाल दो। पूरा डाल, पूरा डाल, पूरा डालूंगा। हाँ पूरा डाल डाल, ये काम पूजा से नहीं होता। ये कच्चा मसाला खाने का आइडिया तुझे किसने दे दिया? नहीं भाई, इतना बहुत डाल डाल पूरा, इतना कितना अच्छा कलर आ गया। ऐसे मैगी बहुत बढ़िया लगता है, और मेरे बच्चों को तो काफी ज्यादा फेवरेट है। ये है स्पेशल मैगी जो सीमा बना रही है मेरे बच्चों के लिए, और इसमें है दो ईपी, दो मैगी। कलर देखिए कितना बढ़िया आया है। ये मैगी बनाने में हम लोगों को आधा घंटा लग तकरीबन लग जाता है। तो गाइस छोड़ के चली गई, बोलती है कि चलाते रहना। जितना अच्छा से मसाला पकेगा ना उतना स्वादिष्ट मैगी बनेगा, तब जाके बनेगा स्पेशल मैगी बच्चों के लिए। इसमें डाल देता हूँ दो गिलास पानी, थोड़ा देर इसको पकाऊंगा, जब ये पक जाएगा फिर इसमें मैगी और पानी डाल के अच्छी तरह पका के फिर उतारूंगा। नहीं तो ओढ़ के सूतेगा ना तब फिर जाके बुखार हटेगा, वैसे नहीं हटेगा। अब हटाएगा तो मैं मैगी भी नहीं दूंगी, बस इतना रख ले, बस बस उतने उतने ओढ़ के सो। 5 मिनट, ओनली 5 मिनट्स। तो गाइस दवाई खाया है पुनीत, थोड़ा देर आराम कर लेगा तो बुखार हट जाएगा। सीमा तो चली गई, बोलती है पूजा तो जा पापा के साथ और मैगी बना। ई आई है मैगी बनाने में, इसे मैं पूछ कर डालता हूँ। डालो मैगी, मुझे नहीं पता, तोड़ के डाल दो फिर। नहीं तोड़ के नहीं डालना। हाँ फिर कैसे डाल, तोड़ के डालता हूँ। नहीं, नहीं, नहीं। छोटे छोटे हो जाएगा, खाने में मजा आएगा। पहले डालो, मुझे क्या पता, तो मम्मी ने भेजी है तेरे को तो डाल, तो बने जैसे बनना। डाल एक गिलास और डाल। तो गाइस हमारे बच्चे इसको तोड़ने नहीं देते हैं, तोड़ने के बाद लंबा लंबा नहीं निकलता है। तो दो ईपी है और दो मैगी है, छोटी छोटी हो गई ना, वो मैगी बड़ी है और ये मैगी छोटी है, शायद टूटा होगा इसमें से, ये भी हो सकता है, पर फिर भी ये ज्यादा, ये शायद टूटा ही है देख लो। और ये है ईपी मैगी, मतलब ईपी है। गाइस एक दिन क्या हुआ कि मेरे घर में दो मैगी था, तो पुनीत गया मैगी लेने, तो मैगी नहीं था तो ईपी लेके आया, तो उस दिन मैगी बहुत बढ़िया बन गया था। तब से बोल रहा है कि जब भी मैगी बनेगा दो ईपी बनेगा तो मैगी बनेगा, तब से हमारे घर में तो ये फेमस ही हो गया, दो मैगी दो ईपी बनाने का आइडिया। चला पूजा चला, नहीं तो जल जाएगा। तो गाइस
बस कुछ ही पलों में मेरा मैगी बनने वाला है। ये देखिए कितना लंबा लंबा निकल रहा है, दिखाना एक बार और दिखाना, ये देखिए। और इतना लंबा लंबा निकलता ना तब ये लोग खुश रहते हैं, खाने में मजा आता है। गाइस हम पहली बार टीवी पर देखते थे ना यार, इतना लंबा लंबा आखिरी है क्या, लेकिन कभी किसी से पूछे नहीं कि आखिरी है क्या। तो गाइस सीमा चली गई है और पूजा को भेज दी है, तो अभी देख के आए, सीमा मोबाइल चला रही है, बोल रहे कि थोड़ी सी चलाई हूँ। हाँ सीमा थोड़ी सी मोबाइल चलाई है तू। सीमा व्हाट्सएप बहुत चलाती है, थोड़ा सा और हो जाने दो, पानी वानी कुछ नहीं डालना मुझे लगता है कि। तो गाइस देखिए सीमा व्हाट्सएप नहीं चला रही है, तो गाइस नहीं चला रही है, ये देख लीजिए, ये व्हाट्सएप नहीं चला रही थी, ठीक है। आप भी ला के रख दिए और हाँ। फिर वीडियो बना रहे हैं कि वो भी नहीं चला रही थी, मतलब मैं ला के रखा। बीमार हूँ, बीमार लोग व्हाट्सएप नहीं चलाते हैं। हाँ व्हाट्सएप चलाने से ठीक हो जाते हैं बीमार लोग, नहीं बुखार लगा है। किसको? मुझे। छूके दिखना रे, छूके दिखना। आप बोल लगा अभी टूट गया बुखार, अभी टूट गया व्हाट्सएप चलाते चलाते, नहीं मेरा मैगी जल जाएगा, चुपचाप रहे पागल कहीं के। तो गाइस मेरा मैगी देखिए कितना बढ़िया दिखाई दे रहा है, दो मिनट चला गया सीमा को दिखाने, तो मैगी थोड़ा सा नीचे पकड़ लेता है। जब बन जाए ना गाइस तो इसको हमेशा चलाते रहिएगा, नहीं तो ये कढ़ाई में जल्दी ये पकड़ लेता है और जलने लगता है, क्योंकि मैं बिल्कुल लो फ्लेम पर पका रहा हूँ इसे। तो गाइस देखिए कलर कितना बढ़िया आया है, देखते हैं। इतना अच्छा मैगी बनाने में मुझे 34 मिनट लग गया, 3:02 से बनाना स्टार्ट किया और 3:36 हो रहा है, लेकिन बना भी बहुत बढ़िया, देखिए ये देखिए। तो देखिए गाइस मैं पुनीत को लेके आ गया, अभी पुनीत का बुखार टूटा नहीं है, लेकिन मेरा मैगी बन गया है, तो मैं सोचता हूँ पुनीत नहीं रहेगा तो मज़ा ही नहीं आएगा। नहीं पुनीत चल बेटा अपनी जगह पे बैठ जाता, बुखार लग गया ना, बुखार का मारा तो फिर अच्छा नहीं लगता है, हमारे घर की रौनक ही चली जाती है। अरे यार बहुत अच्छा कलर दिख रहा है इसमें मोबाइल में, असली में भी अच्छा दिख रहा है, अब खा के ही पता लगेगा कि कैसा बना है कैसा नहीं। तो गाइस ये है पूजा पुनीत का फेवरेट डिश मैगी। तो गाइस आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग के बच्चे के लिए मैगी पसंद है या नहीं है, कमेंट जरूर करिएगा। तो गाइस मैं भी आ गया मैगी खाने, क्या मैं बनाती हूँ उस टाइम तेजी लगता, ये देखिए तभी तो मेरे बच्चे तोड़ने नहीं देते मैगी को, मैंने कहा बनाने के लिए तो बनाने आके व्हाट्सएप चला रही थी ना, देखा आपने, ये लोग खा लेंगे और मेरे पे हमला कर देंगे, इससे अच्छा मैं ही पहले खा लेता हूँ। तो गाइस पुनीत के लिए इसमें मिर्चा बहुत कम डाला है, शायद एक ही मिर्चा की दो मिर्चा सीमा ने डाली थी, कितना डाली थी, दो ही मिर्चा डाली, ये देखिए गाइस हमारे घर में ना सिंपल मैगी कोई पसंद नहीं करता है, पिज्जा हाँ। तुम दोनों को होटल में ले जाकर खिलाया नहीं, ओ, ये कितने झूठ बोलते 7-8 साल पिज्जा खाए हो गए, वो हंगरी हल्क का पुनीत के बर्थडे पर एक बार खाए थे, मैं इतनी बड़ी होगी पता ही चल रहा है, रसमलाई क्या जब गोदी लेकिन गाइस एक दिन इन लोगों को जरूर खिलाऊंगा रसमलाई। तो गाइस हमारे ब्लॉग अच्छा लगता हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, पुनीत का बुखार लगा तो गाइस घर में रौनक चली गई, अच्छा नहीं लगा। क्या बना रही है पूजा? चाय। पीने का तो मन नहीं कर रहा इसीलिए मैंने सोचा कि चलो सब कोई पी रहा है तो मुझे भी थोड़ी सी चाय मिल जाएगा तो अच्छी बात है, तो मैगी खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए, तो मीठे में क्या मिलेगा आज, चाय। पूजा ने बनाई स्पेशल चाय, पूजा और सीमा दूध डालने में इतना ज्यादा कंजूसी करते हैं, पता मैंने कितना दूध डाला इसमें, पता है दिख रहा है मुझे इतना डाला पानी, ये देख लीजिए और ये पूरा। तो गाइस फिर भी चाय अच्छी बनाती है, सीमा उतनी अच्छी नहीं बनाती है, आप लोग को बता देता हूँ। पूजा बना रही है चाय और सीमा व्हाट्सएप चला रही है, आंखें बंद करके चिल्ला रहा है, देखिएगा तब ना, जा एक और लेके आ, मेरे में ज्यादा है तू पी लेना थोड़ा सा। पूजा ठीक होते ही सीमा की मदद करने में लग गई।